that the artist has put on display here today. Calligraphy is an art form that is almost unique to the Muslim world and the Far East, and it's one that I've come to appreciate living in this part of the world. And I think that the diversity of styles that we've seen represented here today capture the full beauty of the art form and speak not only on an aesthetic level in terms of their beauty, but very much on a deeper spiritual level in terms of the meaning of the writing that we have depicted in the artwork. Basically, I am a painter, और बचपन से ही मैं मुसव्वरी का शौक था मुझे, लेकिन अल्लाह ताला के साथ अपने मज़हब के साथ लगाओ जो था उसकी वजह से मैं कैलीग्राफी की तरफ आई, और अल्लाह ताला ने जो मेरा इंट्रोडक्शन था वो एज ए खताद कैलीग्राफर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई हूँ. तो कुरानिक जो कैलीग्राफी है इससे आपके जो है मुझे जो रूहानी सुकून मिलता है इसमें, और खताती जो है बेशक जो खतात के किरदार पे जाहिर और बातन पे ना अपनी रूहानी किरने जो हैं वो नूरानी किरने जो है मुरतब करती हैं. तो खतात के लिए यानी अगर खताती के हवाले से आप बात करते हैं तो खताती उम्मुल फ़नून है, इसको उम्मुल फ़नून का लकब दिया गया है, और ये सरासर नूर है. अगर खतात जो है वो साहिब किरदार और सीरत है और वो यानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इसको करेगा तो बेशक उसके जाहिर बातन पे उसके असरात जो है वो ज़रूर मुरतब होते हैं, और इसके लिए वो तोशे आखरत भी बनते हैं. Yes. As a please. Sir. Sir. Here. Wait. Okay. All right, press. Okay. कैलीग्राफी का काम पुराने पाक से उसने किया है और बहुत अच्छी मेहनत की है, और इसमें घर वालों ने भी पूरा तावन किया है, क्योंकि ये बच्ची भी इस्लामिक घराने से आई है और हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक घराना था, इसलिए इसे काम करने की पूरी अपॉर्चुनिटी मौके मिले हैं, और इस तरह से इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आइंदा भी इसको करती रहेगी. तो ये ऐसा काम है कि देखना भी सदका जारी है, इसको पढ़ना भी है और इसको हदिया दे के ख़रीदना भी है और अपने पास रखना भी है. तो इंशाल्लाह ये ऐसा काम है कि जिसमें खैर ही खैर वाली बात है, क्योंकि अल्लाह का दीन है, जिसको जिस तरह भी कोई फैलाएगा इंशाल्लाह उसमें बहुत उसकी कदर कीमत होगी इंशाल्लाह. तो इंशाल्लाह ये बच्ची इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह, हमारी दुआएं इसके साथ हैं, अल्लाह इसको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए. तो बड़ी मेहनत और कोशिश कर रही है, और घर में ही पहले किया था, अब इंशाल्लाह सेपरेट इसने बना लिया है, तो उस तरह से इंशाल्लाह काम करते रहेंगे.
माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा काम है, अल्लाह का कुरान है, बड़ी मेहनत इसने की है और बहुत अच्छी बच्ची है और ये अल्लाह का कुरान है। इसके देखने से, पढ़ने से, इसको सुनने से स्वाब ही स्वाब है और जिस तरह बावजू रह के गरले खतून ने उसने किया, बहुत अच्छा किया और मेहनत भी करती है, लगन भी है और हम लोग भी इसके साथ पूरा अप्रिशिएट करते हैं और बहुत इधर इस तो थोड़ा सा साइमा अशफाक के पांच रोजा कुरानिक फनपारों की नुमाइश अलहम्ब्रा हाल लाहौर में जारी है। 2004 से अपने इस फनी सफर का आगाज करने वाली साइमा अशफाक का कहना है कि उस्ताद गोहर कलम और उस्ताद असगर अली ने उनकी तरबियत की है और आज वो इस मुकाम पर है कि उसको ये काम करके दिली और रूहानी सुकून मिलता है। कैमरामैन शुएब सईद के साथ अशफाक भट्टी, रॉयल न्यूज लाहौर। साइमा अशफाक के पांच रोज़ा फनपारों की नुमाइश अलहम्ब्रा आर्ट गैलरी लाहौर में जारी है। फनकारा का कहना है कि 2004 से इन्होंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया और खत्ताती, जिसे उम्मुल फ़नून भी कहा जाता है, इस पर काम करके इन्हें खास दिली सुकून मिलता है। कैमरामैन शुएब सईद के साथ अशफाक भट्टी, रॉयल न्यूज़ लाहौर। नौजवान मुसव्वरा साइमा अशफाक के फनपारों की पांच रोज़ा नुमाइश अलहम्ब्रा आर्ट गैलरी लाहौर में जारी है। नौजवान मुसव्वरा साइमा अशफाक के फनपारों की पांच रोज़ा नुमाइश अलहम्ब्रा आर्ट गैलरी लाहौर में जारी है। कुरानी कैलीग्राफी के फनपारों की नुमाइश का अफ्ताह ब्रायन डी हंट ने किया। साइमा अशफाक का शुमार पाकिस्तान के उन चंद नौजवान आर्टिस्टों में होता है जिन्होंने बहुत कम अरसे में शोहरत हासिल की। यूँ तो इन्हें बचपन ही से फन मुसव्वरी का शौक़ था, लेकिन सन 2004 में उस्ताद खुर्शीद आलम गोहरे कलम की शागिर्दी में आने के बाद उनका फ़न मज़ीद निखर गया। उनके क्रॉनिक कैलीग्राफी के फ़न में मज़ीद निखार मस्जिद नबवी में नक्काशी करने वाले उस्ताद असगर अली के इस सिरे को तराशने के बाद आया। साइमा अशफाक का कहना है कि उन्हें क्रॉनिक कैलीग्राफी में दिल का सुकून मिलता है। उनके फ़न को निखारने में उनके रफ़ीक हयात और फैमिली का बहुत कंट्रीब्यूशन है। कुरान कैलीग्राफी की इस नुमाइश में मुख्तलिफ मकतबाए फ़िक्र की शख्सियात ने शिरकत की।